हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलाई दर्पण पर। हम जानेंगे आज रेणुका झील के बारे में, भगवान परशुराम जी के बारे में। और ये रेणुका जी एक पवित्र स्थान जो कि जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये नाहन से 40 किलोमीटर और पोटा साहिब से 67 किलोमीटर दूर है। और आप यहाँ पे यहाँ की यात्रा कर सकते हैं और माँ रेणुका झील में आप स्नान करने से आपके कष्ट दुख सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ आने पर सुकून मिलता है और माँ रेणुका जी और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस स्थान के बारे में, यहाँ का नाम रेणुका क्यों पड़ा, रेणुका झील की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ रेणुका ने किस तरह से यहाँ पे अपने इस झील का यहाँ पे निर्माण हुआ, भगवान परशुराम जी का मंदिर यहाँ पे किस तरह से स्थापित हुआ, ये विष्णु भगवान जी के छठे अवतार है, ये पूरी जानकारी पंडित जी द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। स्वागत है पंडित जी आपका। ये यहाँ पे मैन पंडित हैं, हम रेणुका जी आए हैं और ये बहुत पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान के बारे में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, हमारे पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो अपना नाम परिचय और उसके बाद रेणुका क्यों फेमस है। अच्छा, तो हम हैं जानिए, मैं अपने मामा जी के पास थोड़ी सेवा करता हूँ। तो अभी थोड़ा गाँव गए तो मैं 40 साल से उनके पास सेवा कर रहा हूँ, रेणुका विकास बोर्ड घर में रहती है। हम भी चाली से पंडित जी टिंडोर से हैं जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी हैं। और इस क्षेत्र में ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुजारी हैं आज तक फिर चल ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहे, नौवीं पीढ़ी दसवीं पीढ़ी चल पड़ी पंडित जी की। तो यहाँ का नाम था पहले राम सरोवर, जो यहाँ का नाम था राम सरोवर। तो क्या हुआ, तो ऋषि मुनि पैदा हुए, जैसे शिव शंकर पैदा हुए, विष्णु भगवान जी प्रकट हुए जी, ठीक है जी, सुमंत्र भगवान जी भी जी, तो जी हनुमान जी आदरण बने, परशुराम जी आदरण बने। तो पहला नाम था यहाँ का राम सरोवर जो नाम था। तो चश्मे थे ऋषि मुनि जैसे पैदा हुए जी, तो सृष्टि नहीं थी, कोई पैदा नहीं हुआ था जी। तो ऋषि मुनि को आ कोई बाबा लोग नहीं थे, कोई सृष्टि में आदमी नहीं थे, कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ जंगल में जीव जंतु थे और घना जंगल होता था। और माता जी अपने पति के लिए पानी ले जाती थी, जैसे राशि प्रसाद हुई तो यहाँ पे जो राम सरोवर नाम था, तो राम सरोवर से माता पानी भर के जाती थी अपने पति के लिए जी। तो जैसे शिव शंकर द्वारा, गणेश जी द्वारा, शिव शंकर द्वारा शादी चल गई ना जी, तो वो राशि पे नाम पड़ा। तो पहले नाम था माता का राजकुमारी। अच्छा जी, ठीक है, पहले नाम था माता का राजकुमारी जी। तो जब विवाह हुआ, शादी हुई, तो जमदानंद जी के था शादी हुई, तो राशि पे नाम पड़ जाता है जगदम्बनी ऋषि, जगदम्बनी। अच्छा जी, तो माता से बोला भी रेणुका माता जी, आपने पानी लाना है, आपने क्या करना है, तपस्या से राम सरोवर से मुझे पानी लाना है। तो यहाँ का नाम था राम सरोवर, राम सरोवर, हाँ सरोवर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऊपर ढूंढा है, जो इनके पिताजी का तपस्या था लेना जी, वो यहाँ से 12-14 किलोमीटर है जी। तो गुरु जी माता जी यहाँ से जाती थी, वो दिन में थोड़ा अंधेरा होता था, एक दिन में माता जी को पानी में ले जाने के लिए लेट हो गया है ना। तो इनके पिता ने कहा, जो चार भाई थे और उन्होंने पूजा में मतलब पूजा की उन्होंने, लेकिन उन्होंने वध करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि माता जब लेट हुई तो माता जी का जो सर था वो कहीं दूर चले गए, तो वध करना क्या था बहुत डर में। तो इनका आपस में झगड़ा हो गया था, भाई जल नहीं पहुँचा, तो जल क्यों पहुँचा, क्योंकि वो जो कच्चा घड़ा था माता का उसमें मिट्टी डाल दी और सहस्त्र राजा ने छेद कर दिया। तो जैसे छेद कर दिया तो पानी ऋषि का पानी कम हो गया, तो माता अपने पति के पास गई तो पानी घड़े में कम था और वो खंडित था घड़ा, तो इसीलिए उनको बैम पड़ गया। तो बैम का कोई इलाज नहीं, बिल्कुल, इसीलिए चार बेटे को कभी वध कर दो, कि वध तो पिताजी हम नहीं कर सकते, आप मुझे और काम बताओ। तो उनको निकाल दिया, भैया आप भाग जाओ यहाँ से, तो उनको निकाल दिया। और परशुराम जी को याद किया, परशुराम जी आधार में है, इन्होंने भाई जी चार वेद जवान याद किए, ये सबसे छोटे हैं, चार जो भाई थे वो बड़े थे, परशुराम जी छोटे, पांचों पुत्र ने उतार लिया, इन्होंने चार वेद जवान याद करके और राम जी से बहुत आगे निकल गए। इनको पता नहीं था भाई मेरे आगे उतार है,
तो राम और कृष्ण और परशुराम ये थोड़ा थोड़ा फर्क इनमें जो बताते हैं कि राम जी अवतार कैसे आया, क्योंकि परशुराम जी बहुत आगे निकल गए थे फर्स्ट में जीत के, परशुराम जी बहुत आगे निकले और राम जी से पहले अवतार प्राप्त कर लिया, ठीक है। और एक साथ अवतारे हैं भाई परशुराम और राम, एक साथ अवतार हुआ, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ते ना, बच्चे कोई फेल भी हो जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई शास्त्र विद्या में पीछे रह जाता है, तो इसलिए इनको पता नहीं था कि मेरा आगे अवतार है। तो वध कहाँ किया था परशुराम जी ने, महुरगढ़ में वध वहाँ किया था इन्होंने माता का जी, फिर माता जी वहाँ चली गई थी ना, फिर जीवित कर दिया माता को, शक्ति से जीवित भी कर दिया कि पिताजी मेरी माता को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे हत्यारा करके ना कहें, फिर मेरी माता को जीवित कर दो। फिर जीवित होने के बाद माता ने जो ये नाम रेणुका पढ़ा, पहले नाम था राम सागर, तो नाम कैसे पढ़ा कि माता जी ने भोजन भंडारा करके सारे काम सिद्ध होंगे, तो इन्होंने काम धेनुका जी जो सैत्र राजा था वो पीछा करता था, तो रेणुका मेनुका दो बहने थी, जो मेनुका का पति था वो सैत्र राजा अर्जुन था, तो उन्होंने शादी डाली, जबकि परशुराम जी ने मना कर दिया था कि मासी जी इनके साथ मत जाना क्योंकि राक्षस है और मार को खा जाएंगे, तो उन्होंने मना किया और मेनुका सैत्र राजा के साथ चली गई और शादी ब्याह कर लिया, तो उनको गुस्सा आया। फिर माता जी थोड़ा सा जब भोजन बिठारा दिया तो काम धेनुका आई, जीवित होने के बाद माता ने भोजन दिया सारे काम इनके, सोने की थाली में भोजन दिया भंडारा दिया, तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि भोजन पे आ जाओ, क्योंकि एक बार उन्होंने मना किया था ना सैत्र राजे को, वे अभी भूख लगी कि भोजन पे कब लाओगे, कि हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं राक्षस ना तंग करते थे। तो जीवित होने के बाद माता ने जल समाधि क्यों ली अपने बचने के लिए, जब भोजन दिया ना कई प्रकार की चटनी खीर सब बना हुआ था भोजन, तो जीवित होने के बाद माता के वस्त्र बदल जाते थे, तो सैत्र राजे ने किसी चतुर्नाय को भेज के माता के पाँव में दही की बूंद डाल दी, तब पता चले वो कि भाई काम धेनु गाय की वजह से और सोने की थाली में भोजन हो रहा है, कितना प्रकार का भोजन कहाँ से आया, तो काम धेनु गाय पोल खोल दी, तो इन्होंने काम धेनु गाय लेके फिर उनके पिता भाइयों की भी हत्या कर दी सैत्र राजे ने, और माता ने आकर के जो राम शर्मा नाम था उसी कप से कुप से जिस कुप से माता पानी भर के जाती थी माता जी लेट गई और झील बन गई, पहले नाम था राम शर्मा तब बन गया रेणुका जी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे सभी श्रद्धालु आते हैं जी के क्या हुआ था पंडित जी, तो ये मेला जो होता है जी हमारा, तो दिवाली के बाद दशमी तिथि को मेला होता है, तो भगवान शिव जी अपनी माता को मिलाते हैं और इन्होंने अपने पिता भाई को जीवित कर दिया, जो राक्षस थे वो खत्म कर दिए, जो राक्षस पूजा पाठ वाले थे वो बच गए, उनको नहीं मारा, तब खिड़की में हम पैदा हुए, पूजा कौन करेगा, अब तो लड़ाई चल रही, अब तक कलयुग आ गया भैया, आपको क्या करना है जी जी, है ना, ये जो धरती बनाई है ये पूजा के लिए बनाई थी, आप क्या है भैया, आप कोई मानता तो है नहीं, गाँव में छोड़ दिया, यहाँ पे कितना पाप करते हैं लोगों को, बस आपका नाम रामचंद्र भारत, कहाँ के रहने वाले आप, मैं तो सिरमौर से हिमाचल सिरमौर चांदनी, यही चांदनी से, अच्छा यहाँ पे आप पूजा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी कौन सी नौवीं पीढ़ी, यहाँ पे दसवीं पीढ़ी आपकी पूजा कर रही है, तो पंडित जी ये ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विष्णु जो मंदिर है ये दशावतार है परशुराम जी, दशावतार है परशुराम जी भी इसमें इनके बराबर है जी, तो दिवाली के बाद ये मेला होता है हमारा, अच्छा भगवान परशुराम जी अपनी माता को मिलना आते हैं, अच्छा कोई तपस्या की हुआ तो हम दर्शन ही पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो श्रद्धालुओं के लिए तो ये हमारे साथ पंडित जी थे, इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी, विस्तृत ज्ञान दिया, आपका पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, महारानी की कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। जय परशुराम, जय रेणुका माता, गौ कोटि स्थापनी।